प्रदेश के रामपुर में विधानसभा की 11 सीटों के लिए उपचुनाव में मतदान हुआ है। इस दौरान पुलिस ने लगभग 22 फर्जी एजेंट और 3 फर्जी महिला बीएलओ को अलग अलग मतदान स्थल से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार यूपी के रामपुर में अलग अलग बूथों से पुलिस ने 22 फर्जी एजेंट पकड़े हैं। इस दौरान रजा जिगरी कॉलेज से भी 2 एजेंट को हिरासत में लिया गया है। बाकी एजेंटों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इन फर्जी एजेंटों को हिरासत में लेने के सवाल जीएम आनंद जय कुमार से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम राजकीय डिग्री कॉलेज पर थे तो हमने 2 लोगों को पकड़ा, एक महिला एक पुरुष। एक ने अपने आप को समाजवादी पार्टी का बताया और दूसरे ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बताया। उनका कहीं ऑथराइजेशन भी नहीं हुआ था और जिनके वे ऑथर थे वे उनका नाम भी नहीं बता पाए। और बाकी इसके अलावा 4 एजेंट और पकड़े गए हैं। एक जावेद नाम का एक बंदा है जो अपनी आइडेंटिफाई भी नहीं बता पाया है, जिसको हिरासत में लेकर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 22 फर्जी एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। कितने लोग पकड़े गए? कुछ जब हम लोग बूथों का विजिट कर रहे थे तो कई सारे बूथों पे पूछताछ में पता चला कि समाजवादी पार्टी के 2 एजेंट मिले। उनसे पूछताछ में जब उनका ऑथराइजेशन लेटर देखा गया तो ऑथराइजेशन लेटर जावेद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनका मिला, जबकि उनको जावेद के बारे में न पता न कोई उनकी उनका उनको कोई आइडिया भी था कि वो जावेद के लिए हैं। वैसे सारे कैंडिडेट्स को पूछताछ के बाद जो बूथ एजेंट हैं उनको पूछताछ के बाद वो हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और उन लोगों ने जिन जिन के नाम बताए हैं वो कहीं से जावेद से ताल्लुक़ तो नहीं रखते और उन्होंने उनको एजेंट बनाया, तो एक तरीके से फर्जी केस है। इनफैक्ट जावेद भी मिस्टरगंज में मिल गए, वो अनऑथराइज ई रिक्शा से चल रहे थे, मतलब जा रहे थे और वहीं पे पास में बूथ था, संभावना है कि वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके लिए भी बोल दिया। इन सारे लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और 3 बीएलओ जो कि कच्ची पर्ची बांट रहे थे बाहर से किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दी गई, उनको भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अभी हम सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई फर्जी वोट। इनमें कुछ महिलाएँ भी हैं, उसमें से 3 बीएलओ हैं जो महिलाएँ हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अच्छा सर, डिग्री कॉलेज पर जो कुछ लोगों को हिरासत में, वो बूथ एजेंट हैं, उन्हीं के बारे में मैंने बताया कि वो पूछताछ में अपने आप को समाजवादी पार्टी का एजेंट बता रहे थे, जबकि वो उनका ऑथराइजेशन जावेद को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनका। अच्छा सर, आजम खान का बूथ है क्या वो? मैं कंफर्म नहीं हूँ, पॉसिबल है। थैंक यू सर। विशाल मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चौकी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009. JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।